बड़ा सुंदर सुंदर भाव सुने आप सब। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को। अरे बाह बारे पट्टे हे टोपी वाले भैया बेटा का करे 10 रुपये देख ले एडजस्ट कर लो। हो गया जमन कम बैठा सवेरे ले लिया सवेरे ले लिया रह तो दोनों जने काहे परेशान हा। अरे धरती है कही मूल निवासी है विदेश से थोड़ क्यों आई है कि लेके चला जावा जाए गैर ना है। पीबे अब चाय तू सब नहीं बोलत ना का बोल हमरे ढोलक मास्टर के चाय जरूर पियाए जाए। इस चाय के बहुत शौकीन है बल्कि खाना ना मिले इनका यही बरे कही तो खाना ज्यादा खा तनी मोटान जा मतलब माने अरे यार ले यहाँ तब खेले ले पड़ा मतलब बंद कही गई तो हार मन ही किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को अगर दिस में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को बाहर कुत्ते अभी भाई ने कहा कि जब कटा शीस हंस सकत है बोल सकत का पंखा का हवा नहीं ये विज्ञान है इलेक्ट्रॉनिक चीज है। राम मिलन चाय पियो मेरी तरफ देखो कौन अलगू दिन भगवान दिन से विराह नहीं हो त्रिभुवन नाथ से विराह हो मैं जल्दी किसी के गाने में टिप्पणी नहीं करता हूँ पहली बात अब मेरे गाने को अगर जो गलत करता है तब मेरे बर्दाश्त के बाहर है फिर तो समझ ले कौन बोली लौकुश पासी आप कमेटी की तरफ से 100 रुपया बिरहा 30 मिनट का होना चाहिए दोनों तरफ से 30 मिनट में एक लोकगीत होई मंजूर बा एक एक लोकगीत केवल गाऊंगा 40 में भी नहीं हो पाएगा ये जान लो। अब वही में 20-25 मिनट इनाम ही हो जाए अगर जे आदमी लेके आइए ओकर ढंग से ना बोलबे पैसा दे अनादर कह देबे 30 मिनट 25 मिनट वो जमाना अब चला गया हैदर गुरु खड़ा होते रहे दो घंटा गावत रहे अब तब पब्लिक ऐसे सन्न मार के सुनत रही तब कहानी स्पष्ट होत रही। अब 30 मिनट में सुनबे कहबे तो हमका काम गंगा चैनल पे 15 मिनट में गाई दे रहे राजा मोरंग के बिरहा टीवी चैनल पे आप लोग देखे रहा हो लेकिन वो चैनल था वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी वहाँ सीधे प्रसारण था सीधे गावे को तो खत्म तो कहीं दे अब बगली पड़ोसी कलाकार अगर कुछ बोली तो कुछ ओकरे में टिप्पणी किया जाए नहीं कहीं लगे बेटे रात है क्या यार तुम क्यों बेझत नहीं है ये पुराण की बात है अरे तोहरे बस नहीं बट है अब बिगाड़ा उगाड़ा ना राम मिलन बे मतलब फालतू इहर वहर न करा ना एक 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 रिंच चला चला फिर हम हाँ लोग बोले जानी थी बहुत बढ़िया अभी बताए ये इनकी खोज है ये दुर्गा जो है ये दुर्गा ये रंडी है बता रहे हैं इनकी पूजा मत करो अब बतावा नवरात्र के समय में दुर्गई माई के पंडाल लगा आई दुर्गई माई के पंडाल लगाए के नवरात्र में भाई लोग खुशी मनाए और खुशी में दूठी गवैया बुलाए अब देखे कि भाई गाय बजाए के जाता है अब काजू के धरती पे अगले नवरात्र में दुर्गा पूजा आप सब मनौबे की बंद कर देबे अब बतावा यही देखे का है पहला काम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में
साफ साफ ये लिखा है मित्रों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। क्यों डॉक्टर साहब? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको ग्रहण करोगे तो हमारे आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डिप्टी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर साहब संविधान में यह भी लिखा है मित्रों, किसी ग्रंथ और किसी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई नहीं उन्होंने लिखा है, अगर ये ऐसा आप कर रहे हैं तो आप अपने मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, ये जान लीजिए। आप अपने से बढ़ के बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, आपने जहां से पाया है आप गा रही, मैं जहां से पाया हूं मैं गा रहा हूं। मेरे बुजुर्ग लोग गाते चले आए, जिस रास्ते पर वो चले उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हम आपसे ज्यादा दोस्त ब्राह्मण पूजा करते हैं। क्यों शशांक भाई? किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच जाइए, देखिए दो दो घंटा पूजा करते हैं, तो क्या वो कहते हैं क्या कि आप पूजा करिए? अरे आप पूजा करेंगे, आप भगवान और ईश्वर और गॉड को मानोगे तो निश्चित है कि आपकी रक्षा तय है, होगी। मतारी बाप को तो मानना ये तो स्वाभाविक है। ये तो जो हमने गीत भी लिखा था राम मिलन, कि जिस भजन में राम का नाम न हो, हाय हाय, अरे जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मुन्ना राजा बना ले आप, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा कितना भी प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, और बिटिया कितनी भी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। रोटी बेटी शशांक भाई दोनों बहुत ओटे के हैं। मुन्ना राजा तना धनवान बने मानो, कितना धनवान बने मानो पर घमंड लाना ना चाहिए।
भेद बताना ना चाहिए। एक जने हमसे कहें मेहरारू बड़ी हुलबुलकी होत हूँ प्रेम अससांग। एक जने हमसे कहें मेहरारू बड़ी हुलबुलकी होत, इनसे बात नहीं पचत। ये बात नहीं पचाए पे हमके काहे नहीं पचाए पौती। एकर वजह कहो नहीं यार पचाई काहे नहीं पौती। जवन जवन बात पचाई लेकिन क्यों जान नहीं सके। ये बतावा जौने मेहरारू के बिया हो पहला प्रेमी के नाम अपने मन से दूसरे कभी जिंदगी में बतावा थी। बतावा आप सब बात सही है गलत ना कितनो पूछबे लेकिन यह की है ऐसे करबे तो जा हो तो कहीं पगली बिगड़ जाएगी का मतलब है मत पूछा। तो ये जान ले पत्नी जितनी भी प्यारी हो पूरा भेद बताना ना चाहिए। और जिनके घर में माँ बाप रहे जिनके घर में माँ बाप रहे जिनके घर में माँ बाप रहे उसे मंदिर जाना ना चाहिए। जिनके घर में माँ बाप रहे उसे मंदिर जाना ना चाहिए। पाए माई के जाए के चढ़ावा ता है जो ना महतारी बाप ललाता है। लोग तेरे ही बड़े धूमधाम से करत थी लेकिन जीते जिंदगी महतारी बाप तड़पते ही मर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों पहले माँ बाप को आप ध्यान रखिए, इन्हें कहते हैं पितृदेव। अगर पितृदेव खुश है तो सब देवी देवता खुश है। अगर पितृदेव नहीं खुश है तो क्या जान लग के धरती पे कुछ हो वाला नहीं बा। नहीं बा। श्री चंद्र अवधन के धरती से 20 रुपया दातार सुखी रखें सब भैया लोग सुखी रहे करे जरूर है रे। हाँ अब हम बताएं कहीं नहीं एक रुपया लगावा पंडित ही गया। हाँ पंडित जी आई गए भाई। हाँ बीच में अब इनकी व्यवस्था है ब्राह्मणी ब्राह्मण को लोग मानते हैं लेकिन कहीं कहीं अब लोग मानव कम कही दिए हैं। हाँ ये जान ले सब देवता यार कान क्या ध्यान रहा था। बद्री भगत देखा कंठी पहने हैं 21 रुपया। एक रुपया हम जबरदस्ती बोलते ही दादा एक जान ला तनी बच के आवाज हुई लाइन मुन्ना राजा खिबिरा हो जाए। सब देवता गोरे गोर रहे नहीं चल यार। अरे मुन्ना राजा मारे जामुन गर्मी के महीना में कोनो दुल्हनी अपने दुल्हा से सवाल करत बिया बियाह के ले आई यहाँ लेकिन हमरे समझ में कम आवत बा। तनिक मुन्ना राजा उठाए रहा हल्का से महीना में ज्यादा कैश करत बे एक और बढ़ावा चौरसिया। गर्मी के महीना में पसीना से तुम बूढ़ी बे बेचारी एसी वगैरह का व्यवस्था नहीं बा कहा मनसदुआ कहा तो हम बहुत बड़ा मनाई है ओकर नाम रहन फेकू भी कहा 20,000-50,000 लाख 2 लाख दे दिन आज तक तगादे नहीं करे वही मेहररुआ कहत क्या बा टप टप चुअत बा पसीनवा अलंग से माया लंग से मन कर भाग जाए कूद के पलंग से मन कर भाग जाए कूद के पलंग से
पापा सिनेमा अलंग से मन करे भाग जाई कूद के पलंग से खाली बतिया बेला बेसी ये मालम खाली बतिया बेला बेसी ये मालम लगाई नहीं पौला ये थी एसी ये मालम पछुआ के हवा सन सन बहतर पछुआ के हवा चढ़ली जवानिया में बेढ़ेला धावा पछुआ के हवा चढ़ली जवानिया में बेधेला धावा भीतर का गर्मी देला लेसी ये बाला हाँ भीतर का गर्मी देला लेसी ये बालम लगाई नहीं पौला ये थी एसी ये बालम हवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए दरियाई में गई डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए हवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए कुछ स्वाद ले लेवा मुड़ी नीचे हमको मर्द हुले पड़ा रहा था आइए एक बिरहा नवरात्र के अवसर पे एक कार्यक्रम रखा गया है धुन तराना से आप लोगों को आनंद दिया गया एक धार्मिक प्रसंग एक देवी की उत्पत्ति हम अपने लाइन पर रहा अब बाकी के कौने लाइन पर जाए हमसे मतलब नहीं बा। अब भाई सरोज सरोज के इतना हम दुश्मन ईमान नाम तक नहीं लिए हम तो बड़े आदर से भाई बोले कि मिर्जापुर की सरोज सरगम एक है ना अभी बगल में आपने सुना हम तो ढेर जने के झरा थे का करी बहुत कोनो बात लेकिन हमका माख नहीं तू लिहु जिन नाम हम पूरा पुरानी कौने बात पगला अरे चंद्रमा सा सफेद है मलया गिर चंदन की बाढ़
तो आना को दे दीजिए लेन पठाई। ये है, अरे चंद्रमा सा सफेद है, मलया गिर चंदन की बाण है, अदो आना को दे दीजिए अब लेन पठाई सास। महजनवा परेशान बगी का बक्कत भी है, हाँ कहा चंद्रमा सा सफेद है, मलया गिर चंदन की बाण है, दो आना को दे दीजिए लेन पठाई सास। कहा हाँ हाँ हम समझ गए कपूर, कहा अरे रे कहा हाँ बाबा हाँ, कहा हम समझ गए कपूरवा बहुआ। हाँ और पतोहिया से ससुईया कहे कि रास्ता कहे बेराय के आवत है, कहा बैसाख का बाद जे तपई। ए दिल बहादुर, अरे ससांग बैसाख का बाद जे तपई, हम समझते हैं तुहार विचार सर, प्रोग्राम में मिट बा हमका, हम समझत रही थी के करे मन में का बाप, बैसाख के बाद जे तपई अब डगर खड़े हैं खास, यही कारण से रास्ता बिराई अब देर भई मोरी सास। ससुईया कहे के तपई, पतोहिया कहे के तपई, ससुईया कहे जे, तो पतोहिया कहे वही खड़ा है, तो हम नाम कैसे ले, कैसे ले नाम बता, कैसे ले बे बारे राम बाबू कोटेदार, 50 रुपया कम से कम निगरा तो तोहार हमारे बदे, बहुत बहुत धन्यवाद। विराह के बड़े प्रेमी हैं, अभी हाल ही में सुषमा प्रयाग की बेटी का जन्मदिन था, आपके कौशाम्बी के हमारे इलाहाबाद में रहती हैं, हम भी उस बर्थडे में गए थे और आप भी गए थे। हम कलाकारों का सम्मान बहुत करते हैं कि निमंत्रण मिला तो जाएंगे जरूर। ए भाई तनी के और बढ़ाए दे हल्का सा बजबा तोहार निकाइए बा, 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम हो भैया के। वकील साहब प्रदीप कुमार यादव हौसी से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की वृक्षा। 20-25 मिनट के भी रहा, कमेटी के लोगों को जो फरमाइश है उस फरमाइश के मुताबिक काम हो जाए। एक देवी की उत्पत्ति मिलेगा, नवरात्र का समय चल रहा है साथियों, 9 देवियों में एक देवी की उत्पत्ति इधर से दी जाएगी, उसके बाद अगली लाइन पड़ोसी। अब हम नाम ले हम समझा जेठ होते बाव मारत है, चाहे जितना देव न ले। हाँ अब जैसा लाइन मिलेगा देखा जाएगा, एक पौराणिक दास्तान। आइए डॉक्टर साहब, देखा जेकर जेकर चैनल लगा बा, मतलब अच्छी चीज तू लोग काट देते हैं और बुरी चीज कभी नहीं करते हैं, तो निवेदन है तुम लोग से कि अच्छी चीज मत काटा करा और बुरी चीज जरूर काट दे करा। और ये अच्छी चीज जो हम करे जाए थी, अच्छी चीज है, ये सामाजिक चीज है, इसको आप जरूर काट देंगे मुझे पता है, लेकिन जो बुरी चीज रहती है उसको आप नहीं काटते हैं, ये गलत बात है। अगर लेडीज बोल जाए, लेडीज बोल जाए अशब्द, तो उसको आप लोग डाल देते हैं, अच्छा हो। और अगर जेंट्स बोल जाए अशब्द, तो उसको क्यों नहीं डालते हो यार, बेइज्जती ना हो, क्यों नहीं डालते हो, होना चाहिए। नहीं राम बाबू भाई, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, अगर लेडीज बोल जाती है तो उसको आप लोग डाल देते हो, तो जब जवाब में जेंट्स अगर वो गाली देती है तो जवाब में जेंट्स जरूर गाली देगा डॉक्टर साहब, अगर जेंट्स गाली दिया है तो उसको जरूर डालो यार, अगर लेडीज की गाली डालते हो तो जेंट्स की गाली जरूर डालो, और काटना है तो दोनों को काटो, और नहीं काटना तो फिर डाल दो दोनों को, जो होगा देखा जाएगा।
साहब 31 31 एक जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करिए। आपके क्षेत्र के एक नायाब चेहरा हमने छोड़ा है, गायक कलाकार सुरेंद्र यादव, ग्राम समदा, ग्राम समदा यही बगल में, ये हमारे शिष्य हैं। आए नहीं के वजह से हम यहाँ आए हैं। कहें गुरु जी मेरे सम्मान की बात है, पैसा मत देखिए, पैसा आप जिंदगी में बहुत कमा रहे हैं। अब कल भी प्रोग्राम मेरा कोराव में है, हमने कहा एक दिन रेस्ट मिला है सुरेंद्र, कैसे करूं, कहें आके गा दीजिए। सुंदर पुष्पहार साथ में 31 रुपए का आशीर्वाद दिया है, एक जोरदार ताली बजाकर सम्मान करिए आप लोग। और कोशिश मैं करता हूं, अगर मैं नहीं खाली रहता तो कोशिश करता हूं कि बाहर जिले में भेजने का काम मैं सुरेंद्र को करता हूं। अब बताकर भेजता हूं कि आप ले जाकर एक बार गवाइए, सेकंड सुरेंद्र के अंदर सेकंड त्रिभुवन की झलक पाएंगे। चैनल की बात बा तो मुन्ना राजा ज्यादा हम यूट्यूब वाले को उतना ध्यान ही नहीं दे। अभी हाल में 1 तारीख को हमारा एक लड़की से गाना था, नाम न ले, सब पगली नाराज हो थी। एक लड़की से गाना था भदोही में, अब कुछ हम दिक्कत में बीते, हमारा लड़का हॉस्पिटल में भर्ती था, हम साज बांध लिए, हारमोनियम ढोलक बांध लिए, अगर कलाकार बांध ले साथ तो अगले कलाकार को ये चाहिए कि कत्तई नोट पटान बोले। आ जब जान लेस कि अब ये बांध ले, अब तो खड़ा नहीं ही बोली ही ना कुछ, अब पेमेंट भी दिला दिया, वही प्रोग्राम भी लिखी थी। आ जब पेमेंट दिला दिया तो लगी नानी अजयूर का हाल निकाले। अब हम गाड़ी में बैठ ले रहे, करी काम के चल लेकर मूर सूद ब्याज, हमारो नाम त्रिभुवन बा, मन के अंदर कसकत बा, साल 6 महीने में जब मिलबू ना तो जैसे मुर्गी रगड़ा, एक जान ला। बहुत बहुत मेरा शुभ आशीर्वाद। साथ में मंझनपुर कौशाम्बी में आप प्लाटिंग का काम करते हैं, जे भाई के जमीन लेक हुई बीजेपी कार्यालय के पास, सुरेंद्र जी से संपर्क कर, आप ज्यादा पैसा वाला दे हो वही संपर्क करी। अब गरीब दुखियत लाइन पही, या तो गरीबो दुखी एक सस्ता मस्ता देवा तो हो सकत है। अब हिसाब से देहा तो सुरेंद्र एक आध प्लाट लेके हम छोड़ देब। हाँ बहुर का कर अब जवान है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन, भगवान करे खूब आप तरक्की करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक बिरहा चलो ही मंगल चार मनाए, कि अरे बोले जामू की बोले बात, सियाजी सुनिए बात हमार, बाबूजी दुनिया के मालिक पुरुषोत्तम मर्यादा राम। अब बतावा कलाकार खोज के बतावत कि राम धरती पे आए नहीं रहे। अरे राम एक साधारण इंसान के रूप में पैदा हुए थे। राम को भगवान लोग क्यों मानने लगे? अगर इंसान कर्म करता है जन्म से कोई भगवान नहीं मानता है, कर्म करते रहे कर्म आप करने लगेंगे। इसी धरती पे जनाब हैदर अली जुगनू साहब आए बिरहा कलाकार के रूप में, इसी धरती पे बाबू राम कैलाश जी आए। शुरुआत में क्यों कैलाश हो हैदर थोड़ी क्यों माने लग है, जब कर्म करते गए तो आज बिरहा के लोग उन्हें देवता मानने लगे। बात सत्य है कि गलत? बात सही हो तो ताली बजे हैदर अली और राम कैलाश के लिए। इसी धरती पे कर्म करने लगे बाबू राम कैलाश जी, जनाब हैदर अली गुरु जी और लाल जी लहरी को याद किया गया, पुरुषोत्तम
मर्यादा राम लंका से विजय हासिल करके घर आए। विभीषण का राज तिलक हुआ। आज शक्ति सीता सहित जब अयोध्या में वापस आए, एक दिन अब देखा है ना, वो घमंड हो तो हम घमंड बा, तो हम को घमंड बा, हम बताओ दे कैसे बा, तो हम की निश्चित है, ये निश्चित है, हर इंसान के अंदर घमंड होता है, चाहे तनके हो, हमरे अंदर बा, हम हूँ अपने आप को समझित की गवैया है, ये नहु के अंदर बा, ये नहु के बा अंदर के हमाओ गवैया है, हर इंसान के अंदर थोड़ा सा ईगो, इसीलिए पुरुषोत्तम मर्यादा राम को भी घमंड हुआ कि मैं विश्व विजेता हूँ, त्रिलोकपति दशकंधर का बस करके आया हूँ। आज शक्ति जगदम्बा सीता मैया का बुला के सीता जी से एक बात कहने लगे, एक लाइन तरज कहो डॉक्टर। अरे महे सर्व रब के सामने, अरे महे सर्व रब के सामने आए कि फातिमा, महे सर्व रब के सामने आए कि फातिमा, महे सर्व रब के सामने आए कि फातिमा। लेकिन पुरुषोत्तम मर्यादा राम क्या कह रहे हैं, अरे बोले हसिया से राम जी, अरे बोले है प्रभु राम जी, पूजो बाहबारी बोले हसिया राम, बोले है प्रभु राम जी अब पूजो बाहा, आए जानकी यहाँ हो। जानकी मैया जब पास में आई, कहन हमारे बाह का पूजा कह दे, कहन के था मेरे बाह का पूजा कह दे, कहन मैं त्रिलोकपति दशकंधर का बत करके आया हूँ, लंकापति राजा रावण का मार के आई है विद्वान पंडित के। अरे बाप रे बाप, सीता जी जान गए इनके इनके घमंड, ये मनसेधु जरूर हमार है, अब अपने आप के आगे क्यों को समझत नहीं, वही सीता मैया कहन हम बिल्कुल कर बाह का पूजा, लेकिन एक काम बा, कहन बोलो क्या करना है, कहन काम यह कि बिहार से 6 किलोमीटर दूर, बिहार से 6 किलोमीटर दूर एक उत्तराखंड में कोटाच बन है, उसी कोटाच बन में एक रक्ता सुन नाम का एक बहादुर है, सबका मार्ग दे आई यहाँ ओका मार के उब्या, तब हम तोहरे बाह का पूजा, एकरे आगे के बाद समझ लो रक्ता सुर जोन बिहार से 6 किलोमीटर दूर कोटाच बन में रहत रहा, उठा को सीता जी बचपन में जब कुंवारी रहे, क्यों हाथी बनमत बा, क्यों घोड़ा बनमत बा, क्यों जतोला बनमत बा, उस्ताद हमारे गावत रहना आए है, है डॉक्टर। अरे सिया दुलारी बिटिया, अरे सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रहई कुंवारी, सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रहई कुंवारी, सिया दुलारी बिटिया, अच्छा दिल बहादुर जिया, एकदम सही बजावत है,
बनचो तनी समझ चला आप लोग बात समझ चला क्यों हाथी बने क्यों घोड़ा बने क्यों जतोला बने लेकिन सीता मैया का करें कि माटी का पुतला बने देने के लड़किया आ सब बिगाड़ बिगाड़ जब जाए लागिन तो सीता जी बिगड़बे नहीं भाई आज बिगड़बे नहीं भाई कुछ दूरी गए तो पुतला में जान आई पुतले से आवाज आ रही है कि माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो अरे कहन गजब कहन माई हम का खाप कहाँ रहा कैसे का करब सीता मैया कहन गजब हो गई अब एकर स्थान देख परी कुंवरेपन के बात वही बिहार से 6 किलोमीटर दूर कोटाक्ष वन में निवास स्थान दे दिए माई सीता दीन कहन जा बेटवा हम वरदान दे थे यह धरती पर तो का क्यों मारी न पाई कहन काहे माई कहन अगर तो का क्यों मरे को प्रयास करी तो अगर तोर एक बूंद खून जमीन पे गिर जाए तो 1000 रक्त असुर तैयार हो कहन तब माई कहन मारब तो हम ही आप बाबूजी रक्तासुर सोचत बा कि हमार माई हमका मरबे न करी अब हमका के मार सकत अब करे घमंड हो गया प्रभु राम जब बोले कि बाह की पूजा कर दो तो सीता जी चैलेंज करके कहती है उसी उसी को मार के अगर आओगे तब आपकी बाह की पूजा होगी तो टेरी का भाव है अरे मोरे राम अरे बोली तक कस के मारू जान की अरे बोली तक कस के मारू जान की अरे सुन के पास आके लगी राम के गोली गोली तक कस के मारू जान की राम को गोली अरे ये जानकी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ हमारे आगे केकर हिम्मत बाकी जो ना टिकी लक्ष्मण नील नलंग जामोन सबको इकट्ठा कर दे बाबूजी जब पूरी सेना इकट्ठा कर दे तैयारी होत बा ता आगरे से घाघरे मंगा दे रंग दे वरिया है तरस के लाइन में आगरे से घाघरे मंगा दे रंग दे वरिया कहा नौरी से नौरा मुस्कुराई रे रंग दे वरिया नौरी से नौरा मुस्कुराई रे रंग दे वरिया राम सजे लक्ष्मण सजे सज गए पूरी पलटनिया अरे राम सजे लक्ष्मण सजे सज गए पूरी पलटनिया भालू बंदर चले लन ईठलाई रे सज गई पलटनिया भालू बंदर चले लन ईठलाई हो सज गई पलटनिया सलो राम सजे लक्ष्मण सजे सज गई पूरी पलटनी है भालू बंदर पूरा नील नल अंगत जितना रहन पूरी सेना एकदम तैयार और चल देहन बाबूजी बिहार से 6 किलोमीटर दूर कोटाक्ष वन में रक्तासुर के बस करे बरे हनुमान जी पहले पहुँचन कहन जय श्री राम के और रक्तासुर निकरा काए बच्चे और लक्ष्मण जी साथे कहाँ हैं लक्ष्मण जी कहा है हम लक्ष्मण है अब कहा है हम तो रक्तासुर कहा तो हम जानत है हम अहू को मालूम है कि तू लक्ष्मण और कहे नहीं कहे ना जय श्री राम कह के बजरंगी जब उछर गए तो कहे हमका जान तो कहे हम यह जानत है कि तू हनुमान है हमका पता है तोहरे पूछी में आग लग गई रही
आम और तो का बान ही ले रहे हैं लल्लू पासी भूल जाता का लल्लू पासी 21 रुपया नमस्ते चचा के कहा हम जाना था कि तू हनुमान है आई तोहरे पूछी में आग लगाई दे रहे और तो का रस्सी से बांध के अंगद ले गए इतने में लक्ष्मण कहा ए बटवा ए बात इधर उधर न कर छोड़ के जंगल भाग जे यहीं से हट भाग जा तो भाई कहा तिहा कि छोटा सा नजराना अरे छोटा सा नजराना पिया लौट के अब लाना पिया याद रखोगे या भूल जाओगे बाप रे बाप लेकिन लक्ष्मण लाई के धनुष बाण लड़किया खड़ा बा तो सेहत पे कौनो फर्क ही नहीं बा वही लक्ष्मण कहता है कि ए बेटवा ए अरे बच्चे हो अभी कल के जा लौट जा बेटवा अब हम क्षमा कर दी अरे अरे बेटवा अब तोरे माई के जो तोर माई दूध पियाए रही ओकर दांत नाई टूटा बा जा ए बेटवा अरे बच्चे हो अभी कल के अरे कच्चे हो तुम अकल के अरे बच्चे हो अभी कल के अरे कच्चे हो तुम अकल के आए हो यू उछल के बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे बोलो जम के लड़ो या भाग जाओगे बोलो रक्तासुर कहा दे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे रनवा में मैं तो अकेला रनवा में मैं तो अकेला मैया के गोदी में खेला अरे रनवा में मैं तो अकेला मैया के गोदी में खेला बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ बोलो चमके लड़ोगे या भाग जाओगे बोलो हमका लड़किया जिन देखा हम देख में पौवा है लेकिन अधिक मजा दे लड़किया जिन समझा एकदम धर कर रगड़ब तो सिकुड़ जाए लक्ष्मण जी का हनुमान जी कहे तू लक्ष्मण तू हटा तू हटा तो हुका कुन नहीं समझे मौत मत कर अरे बाप रे बाप एक बाण उठाए मार बाण पर बाण चलाए पड़ा है बाबूजी लेकिन बाबूजी गर्दन कटत बरकता सुर के जमीन पे गिरे तो खून टपकत तो फिर तैयार मारत मारत हनुमान राम लक्ष्मण भरत हरण एकदम परेशान राम आए रामायण कहे बेमौत मारे जाओगे कहा श्रीमान जी बेमौत की बात नहीं है जंग जंग होती है आप आइए और मुझसे लड़िए एकदम हम दहाड़ के लड़ा अरे बाप रे बाप भगवान राम बाण चला रहे हैं बाबूजी अजय बूंद खून गिरे तय हजार रक्तासुर जमीन पे तैयार हो जाए पुरुषोत्तम मर्यादा राम सोचे लगे कि अब कौन उपाय करी अब एक कैसे मारी का उपाय के मारी वही उठाए के बाण बाबूजी उठाए के बाण रक्तासुर चलाए दे जब चलाए दे एक बाण उठा के मारे आग सारी सेना राम सहित अयोध्या में गिरी जब अयोध्या में गिरे बाबू जी राम रस सहित अयोध्या में आई गई अब बैठ के शीशक शीशक रोवे लागे इतने में माई सीता के निगाह पड़ गई अरे स्वामी अरे बाप के तुहार अपमान करे अरे कहीं जानकी जहाँ तू भेजे रहो तुमने मुझे भेजा था अरे बाप रे बाप माई सीता का क्रोध है आई गया अच्छा माई सीता का क्रोध है आई गया तो आल्हा का भाव लग गया डॉक्टर
अरे मारे क्रोध हवा में उ है, अरे मारे क्रोध हवा में उ है, सीता माया नवाए भैया, मारे क्रोध हवा में उ है, सीता माया नवाए भैया। बड़े ही परम मित्र हैं आप शशांक जी, मां इंद्रिमी जी। ये कार्यक्रम आज का दोनों कलाकारों का जाएगा, मंच की लड़ाई अच्छी होती है, पब्लिक में जाए पब्लिक सुने आनंद ले, लेकिन घरे का लड़ाई खराब होती। अब पहले हम कह रहे, अब पहले एक आ रही, इस बैकग्राउंड से किसी कलाकार को मतलब हमारे घरे एक रोटी जुहा तो हम खाते ही उपवास करते हैं। कलाकार केवल पब्लिक ये देखने आती है कि ये दोनों गवैया हैं, बिरहा गवैया हैं, बिरहा कलाकार के नाम से हम जानते हैं। माँ इंद्री म्यूजिक के डायरेक्टर आप शशांक भाई की तरफ से बहुत समाया का पुरस्कार, बहुत बहुत वंदन है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए करके प्यार दुलार दीजिएगा और गीत का आनंद लीजिएगा। लैके कटारी पहुंची सीता माया नवाए भैया, लैके कटारी पहुंची सीता माया नवाए भैया, काली रूप धैली है भैया, गौर करेंगे। मारत काटत मारत घाटत, सीता मैया जब आगे बढ़ती है कोटाथ वन में पहुंची, आवाज दे दिया रक्तासुर को, हराम घोर जहां हो निकल के बाहर आ। अब बाबूजी जब रक्तासुर सामने खड़ा हो, ये कहा है, माई तू तो कहा है, खबरदार अपनी गंदी जुबान से तू मुझे माँ कहा, कहा अरे माई तू ही तो हमका वरदान दे के गई रही, कहा आज तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है, मेरे मांग का सिंदूर का अपमान किया है, इसलिए तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वही सीता मैया करत काय है, काटी गा रदा नवा सुनिला सीता माया नवाए पंचऊ, काटी गा रदा नवा सुनिला सीता माया नवाए पंचऊ, खप्पर से लहली बाबू, खप्पर से लहली बाबू खून पी जा, माता सीता ने वरदान दिया था कि एक बूंद अगर खून जमी पे गिन जाएगा तो 1000 रक्तासुर तैयार होंगे। बाबूजी सीता मैया जानत रहीं जब काटिन गर्दन तो जब जमीन पे खून रक्तासुर के गुना एक बूंद खून गिरे के बाद 1000 रक्तासुर तैयार, सीता मैया का दिमाग चक्कर काट गया कि अब कौन सा उपाय करूं कि जो इसका बध हो। वही माई सीता याद करें कि हमने तो इसको वरदान दिया है, अरे हमें का वरदान दे है कि अगर एक एक बूंद खून जमीन पे गिर जाए तो मरबे न करे। वही बाबूजी खप्पर लेहिन, खप्पर लेके बाबूजी तलवार चला के जब गर्दन काटत यहाँ और वही रोप के खप्पर में खून उठाए जैसे पी गए। अब पी के बाबूजी मारत काटत जब आगे बढ़े तो धीरे धीरे खबर पहुंची देवताओं में, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम देवता, जेका बहन अगली पार्टी के लोग बताए कि विदेशी इनके लोग के लगे खबर पहुंच गए। और जब खबर पहुंच गई ब्रह्मा विष्णु हरण के लगे कहने रे बाप रे बाप, अगर दुनिया तरफ अगर घूम जही तो परलय हो जाये, दुनिया तरफ अगर घूम जही तो परलय हो जाये। वही कहन के रोक सकत, कहने कई जने रोक सकत है, केवल शंकर जी रोक सकत है। वही शंकर जी करत कि रहिया में जात रही सीता हो मैया नावा, रहिया में जात रही सीता हो मैया
रहिया में जात रही सीता हो मया नावा भोलेनाथ रहिया में लेटे श्रीमान भोलेनाथ रहिया में अरे भोले बाबा के जब देखी सीता हो मायाना ए भैया भोले बाबा के जब देखी सीता हो मायाना मा कदम बढ़ावे चल सुना श्री मां अरे जैसे पैर उठवाली माया नवा अरे जैसे पैर उठवाली माया नवा अरे सीता माया तुरंत शरमाई हो सीता माया मैया के सुन ला पदनिया अब काली हो जा देवताओं ने विचार किया भगवान भोलेनाथ से कहे लगे ए प्रभु इस प्रलय से केवल आप बचा सकते हैं। वह भगवान भोलेनाथ करेर का बाबूजी जाके रास्ता में लेट गए और जब लेट गए जैसे सीता मैया मारत काटत आगे बढ़ीन और जब आगे बढ़त है न वो जैसे पैर उठाए तो भोलेनाथ लेटा है ना उन्होंने जैसे पैर उठा बा कैलेंडर में आप लोग देखे हो मैं मारे शरम का मारा सीता मैया का हाथ भर के जीभ निकलिया हमारे सर का मारा बदन काली हो गई। आज जब काली हो गई तो तभी से बताया गया बाबूजी कि एक उत्पत्ति काली की हुई वही सीता मैया का काली का रूप हुई आखिरी भाव में कहना हुआ अरे सीता मैया ए भैया सीता मैया ए भैया सीता मैया हो धरल काली वाला तनवा सीता मैया रूप धई के कलयुग में भैली पूज्यमान हो कलकत्ता में बनल जेकर बाटई धाम हो अरे दुनिया पूजत बा पूजा नवा सीता मैया आज कलकत्ते में वही जानकी जो है त्रेता में काली का रूप धारण करती हैं और रक्तासुर का वध करती हैं वध करके वापस आती हैं बाबूजी काली के नाम से वो पूजी जाती हैं छोटा सा विराह कमेटी के लोगों की मांग पे यहीं से विराह मेरा खत्म है एक देवी की उत्पत्ति काली का इस विरह में आप लोगों ने सुना आखिरी भाव है मेरी तरफ से गायक कलाकार सुरेंद्र यादव जी समदा की धरती से हमारे शिष्य हैं मेरे मंच पे विराजमान हैं 201 रुपए का आशीर्वाद इस बार और 31 रुपए का पुरस्कार पहले दिया गया भगवान करे खूब बढ़िया आप तरक्की करें दिन दूना रात चौगुना आप उन्नत करें अपने खानदान अपने जिले का अपने अखाड़े का नाम रोशन करें आखिरी भाव है स्वामी गीता अनंत अनंत भय भुलुर तज दिए कोतारी
राम धार हैदर अली जुगुनु गुरु अनिल की बाप अली अरे राम बोली तक कस के मारियो जान की त्रिभुवन नाथ का गाना से दुश्मन का लागल गोली बोली तक कस के मारियो जान की मेरे देश की धरती मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई पुलिस में भर्ती मेरे देश की लड़की मेरे देश के लड़के मारे से भरते मांगे मोबाइल मेरे देश की लड़की मेरे देश की लड़की माई से भड़की माई मांगे मोबाइल बड़की मेरे देश का लड़का पहन के चड्ढा मेरे देश का लड़का पहन के चड्ढा झोंक रहा है भट्टा मेरे देश का लड़का ये मेरे देश के बड़े भोले बड़े बन बहुत धर्म के सया लगाओ जे मेरे देश की भौजे मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई पुलिस में भर्ती मेरे देश की